हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल द निटिंग एक्सपर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके सामने ये सुंदर सा निटिंग पैटर्न लेके आए हैं, डिजाइन लेके आए हैं, जो कि बनाना बहुत आसान है। तो चलिए हम ये बनाना सीखें। बनाना सीखने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने पर बेल आइकन को जरूर टच करें। तो देख, उससे क्या है, हमारी जब भी कोई नई वीडियो बनेगी तो आपके पास आप उसको देख पाएंगे। वहाँ पे एक घंटी बचेगी जो आपको बताएगी कि नई वीडियो। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमने पहली वीडियो में फर्स्ट पार्ट बनाना सीखा था, तो अब इसका हम सेकंड पार्ट बनाना सीखेंगे कि यहाँ से हम कैसे चेंज करें ये डिजाइन बनाने के लिए। तो उसके लिए चलिए हम बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर से मैं बता दूं, इसमें मैंने अपने इस कार्डिगन में ये डबल एक्सेल का बना रही हूँ, 120 फंदे लिए हैं बॉर्डर में, और ऊपर भी मैंने 120 ही फंदे रखे हैं, और 9 नंबर की सिलाई से बना रही हूँ। तो देखिए, फर्स्ट फंदे को हम स्लिप करेंगे और 2 फंदे हम उल्टे ही बनाएंगे। तो देखिए, यहां से हमारा डिजाइन स्टार्ट होता है, तो यहां से हम 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 फंदा हम सीधा बनाएंगे, यान ओवर करेंगे, 1 फंदा हम सीधा बनाएंगे, 1 2 और ये 3 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करें, 1 फंदा सीधा बनाएं, धागा अपनी साइड करते हुए, 1 2 और ये 3, 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे लेके जाएं और 1 फंदा सीधा बनाएं, यान ओवर अपनी धागा अपनी साइड करते हुए 3 फंदे उल्टे बनाएं, धागा पीछे करें, 1 फंदा सीधा बनाएं, धागा अपनी साइड करते हुए 1 2 और ये 3, 3 फंदे उल्टे बनाएं। तो देखिए, ऐसा हमें 5 टाइम करना है। तो यहां से हमने यार्न ओवर किया है, 1 2 3 4, धागा पीछे करें, 1 फंदा सीधा बनाएं और 3 फंदे उल्टे बनाएं, 1 2 और 3। यहां से लास्ट के फंदे को हम ऐसे ही उल्टा बनाकर या सीधा बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां से 3 फंदे छोड़ दे और यहां से ये 1 फंदा छोड़ दे, या फिर यहीं से डिजाइन दूसरा डाले, तो ये 21 फंदों का डिजाइन है। तो देखिए, यहां से इतना ये चालू हो रहा है, ये 2 फंदे इधर के इधर आ गए हैं, तो यहां से स्टार्ट हो गया है डिजाइन। तो ये 21 फंदों का मल्टीपल चलता रहेगा और डिजाइन तैयार। तो देखिए फ्रेंड, बैक साइड इसकी लास्ट टाइम हमने 16 रो बनाई थी, तो ये 17वीं सिलाई है और ये 18वीं सिलाई है। 18 रो बैक साइड से फर्स्ट फंदे को ऐसे ही उतार लें, सेकंड फंदे को सीधा बनाएं, 1 2 और ये 3, 3 फंदे सीधे बनाएंगे, धागा अपनी साइड करते हुए, 1 फंदा उल्टा बनाएं, 3 फंदे सीधे बनाएं, 1 फंदा उल्टा बनाएं, ऐसा हमें 5 टाइम करना है। 3 टाइम 4 टाइम और ये 5 टाइम, धागा अपनी साइड करते हुए, 1 2 और ये 3, 3 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे लेके जाए, 1 फंदा सीधा बनाएं, 1 2 और ये 3, 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे, लास्ट के 2 फंदों को हम उल्टा बनाकर देखिए, 1 सीधा फंदा बनाएंगे और 1 उल्टा बनाएंगे। रो 19 सिलाई फ्रंट, तो देखिए 19वीं सिलाई 19 रो फ्रंट्स हमें सेम रिपीट करनी है,
फर्स्ट फंदे को स्लिप करें, तीन फंदे हम उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे लेके जाएं, तो देखिए फ्रेंड स्टार्टिंग में हमें एक फंदा सीधा रखना है, एक फंदा सीधा बनाएं, तीन फंदे उल्टे बनाएं, तीन फंदे उल्टे, धागा पीछे करें, एक फंदा सीधा बनाएं, यार्न ओवर करें, एक फंदा सीधा बुने, यार्न ओवर करें, एक फंदा सीधा बुने, एक, सॉरी ये बैक साइड है फ्रेंड्स, तो बैक साइड से हमें कोई यार्न ओवर नहीं करना है। तो देखिए बैक साइड से 18 रो बैक साइड, तो बैक साइड से देखिए फ्रेंड्स हम इसे उल्टा बनाएंगे, एक फंदा सीधा करेंगे और एक, तो देखिए फ्रेंड्स 15 रो हमने पहले बनाई थी, 16 लोग 17-18 में हमने एक चाली बनाई, तो ये 19 रो है, इसमें हमें फर्स्ट फंदे को स्लिप किया, एक फंदा सीधा बनाया, तीन फंदे उल्टे बनाए, एक फंदा सीधा बनाया, तो देखिए यहाँ जाली आ गई है, जाली पे हमें क्या करना है, यार्न ओवर करें, एक फंदा सीधा बनाए, यार्न ओवर, एक फंदा सीधा बनाए, फिर से यार्न ओवर करें और एक फंदा सीधा बनाएं, बाकी के हम तीन फंदे उल्टे बनाएंगे, एक दो तीन, और एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर से हम तीन फंदे उल्टे बनाएंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे, ऐसा हम 5 टाइम करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएं, धागा अपनी साइड करते हुए तीन फंदे उल्टे बनाएं और धागा पीछे करें, एक फंदा सीधा बनाएं, तीन फंदे उल्टे बनाएं, एक फंदा सीधा बनाएं, तो देखिए ऐसा हमने 5 टाइम किया है। यहां से देखते हैं, ये 1, 2, 3, 4 और ये 5, लास्ट के फंदे को हम सीधा बनाएंगे, 20 रो बैक साइड, तो देखिए बैक साइड से 20 रो को सेम रिपीट करना है, सीधे पे सीधा बनाना है और उल्टे फंदे पे उल्टा बनाना है, तो एक उल्टा और तीन सीधे बनाएंगे, एक उल्टा और तीन फंदे हम सीधे बनाएंगे, तो ऐसा हम 5 बारी करेंगे, एक उल्टा और तीन सीधे, तो देखिए 5 टाइम करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो जाली आएगी उसे हम तीन फंदों को उल्टा बनाएंगे, तो देखिए एक फंदा तो ये हमारा सीधा हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 5 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, तो एक फंदा इधर का छोड़ दे, एक इधर का, तो ये तीन फंदे हमारे जाली के हैं, धागा पीछे करें, एक फंदा सीधा बनाए, सॉरी 1, 2 और ये 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे, लास्ट के 2 फंदों को हम उल्टा बनाकर कंप्लीट करेंगे। 21वीं सिलाई फ्रंट साइड, तो देखिए 21वीं सिलाई में हमें क्या करना है, 21 रो 2 फंदों को हम ऐसे ही बुनेंगे, तीसरे फंदे को उल्टा, 2, 3, 3 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, यार्न ओवर करें, एक और 2 फंदों को फ्रंट की साइड से सिलाई में डालते हुए 2 का 1 करें, यार्न ओवर करें, एक फंदा सीधा बनाएं, यार्न ओवर करें, एक फंदा फिर से सीधा बनाएं, 1, 2 और ये 3,
तीन फंदे हम उल्टे बनाएंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे। तो देखिए ये 5 रो हमारी कंप्लीट होने वाली है, 5 रो उसके पास हम अब चेंज करेंगे। इसमें 3 फंदे उल्टे बनाएं, एक फंदा सीधा बनाएं। तो ऐसा हमें 5 टाइम करना है और लास्ट के फंदे को सीधा बनाकर कंप्लीट करना है। तीन फंदे उल्टे बनाएं और लास्ट के फंदे को सीधा बनाएं। 22वीं सिलाई, 22 रो बैक साइड, पीछे की तरफ से देखें, फर्स्ट फंदे को स्लिप करें, 1 2। तो देखिए फ्रेंड्स हमें यहाँ पे क्या करना है, तो फर्स्ट फंदे को, उल्टे फंदे को और एक सीधे फंदे को लेते हुए 2 का 1 करेंगे, 1 टाइम धागा पीछे करें और 1। देखिए स्टार्टिंग के फंदों को छोड़ देते हैं, 1 फंदा स्लिप करें, 1 और 2 फंदे सीधे बनाए। 3 फंदे हमने सीधे बनाए हैं धागा अपनी साइड करते हुए, देखिए 1 और 2 फंदों का हम 1 करेंगे उल्टा बनाकर, 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे धागा अपनी साइड करते हुए, 1 और 2 फंदों का 1 करेंगे उल्टा बनाकर, धागा पीछे लेके जाएं और 2 फंदे सीधे बनाएं, धागा अपनी साइड करते हुए 1 और 2 फंदों का 1 करेंगे हम उल्टा बनाकर और 2 फंदे हम सीधे बनाएं। ऐसा हमें 5 टाइम करना है, 5 बारी करना है। 2 फंदों का 1 करेंगे उल्टा बनाकर और 2 फंदे सीधे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम इस उल्टे फंदे से उस उल्टे फंदे तक सेम रिपीट करेंगे। उल्टा बना लीजिए और देखिए, 1 ये सीधा फंदा, उल्टा फंदा और 1 सीधा फंदा लेते हुए 2 का 1 करेंगे। 3 फंदे सीधे बनाए, 2 फंदे सीधे बनाए और लास्ट के 2 फंदे उल्टे बनाए। 23वीं सिलाई, 23 रो फ्रंट साइड, 2 फंदों को हम सीधा फर्स्ट स्लिप करें, 1 फंदा सीधा बनाएं, 2 फंदे उल्टे बनाएं, 1 फंदा सीधा बनाएं, यार्न ओवर करें, 1 और 2 फंदों को आगे की साइड से 2 का 1 करें, यार्न ओवर करें, 1 फंदा सीधा बनाएं, यार्न ओवर करें, 1 फंदे को पलटते हुए 1 और 2 फंदों को पीछे की तरफ से बैक साइड से 2 का 1 कर लें, यार्न ओवर करें, 1 फंदा सीधा बनाएं, 2 फंदे उल्टे बनाएं, 1 फंदा सीधा बनाएं। तो ऐसा हमें फ्रेंड्स 5 टाइम करना है, 1 2, 2 फंदे उल्टे 3 टाइम, 1 सीधा फंदा, 2 उल्टे फंदे 4 टाइम, 1 सीधा फंदा, 2 उल्टे फंदे 5 टाइम, लास्ट के फंदे को सीधा बना ले। 24वीं सिलाई, 24 रो बैक साइड, तो देखिए फ्रेंड्स हम 2 फंदों को फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे, सेकेंड फंदे को उल्टा बनाकर कंप्लीट करें, बैक साइड की तरफ धागा लेके जाएं और 2 फंदे सीधे बनाएं, धागा अपनी साइड करते हुए 1 फंदा उल्टा बनाएं, धागा पीछे लेके जाएं और फिर से 2 फंदे सीधे बनाएं, धागा अपनी साइड करें, 1 फंदा उल्टा बनाएं, धागा पीछे लेके जाएं। ऐसा हमें 5 टाइम करना है, 5 बारी बनाना है। 2 फंदे सीधे बनाएं, धागा अपनी साइड करते हुए 1 फंदा उल्टा बनाएं, धागा पीछे लेके जाएं और 2 फंदे सीधे बनाएं। अब यहाँ से यहाँ उल्टे फंदे तक हमें उल्टा ही बनाना है जाली में। तो देखिए कितने फंदे हो गए यहाँ पे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे, धागा अपनी साइड करते हुए
और दो फंदे उल्टे बनाएंगे। 25वीं सिलाई 25 रो फ्रंट साइड। तो 25 रो में देखिए 25वीं सिलाई में हमें क्या करना है फ्रेंड्स, फर्स्ट फंदे को स्लिप करें, सेकंड फंदे को सीधा बनाकर कंप्लीट कर ले धागा अपनी साइड लाते हुए। तो देखिए सेकंड फंदे को और थर्ड फंदे को लेते हुए दो का एक कर ले। स्टार्टिंग के तीन फंदे तो हमारे ऐसे ही रहेंगे, तो एक और दो, तो अपनी साइड करते हुए एक और दो फंदों को एक बना ले। धागा पीछे करते हुए एक फंदा सीधा बनाए। तो देखिए यार्न ओवर करें, एक और दो फंदों को फ्रंट की साइड से सिलाई डालते हुए दो का एक कर ले। यार्न ओवर करें, एक और दो फंदों को फ्रंट की साइड से सिलाई डालते हुए दो फंदों का एक बना ले सीधा फंदा बनाकर। यार्न ओवर करें, एक फंदा सीधा बनाए। यार्न ओवर करें, एक फंदे को पलटते हुए दो फंदे को ले और पीछे की साइड से बैक साइड से दो फंदों का एक कर ले। यार्न ओवर करें, एक फंदा पलटते हुए वापस सिलाई में डाले और दो फंदों का एक बना ले। धागा अपनी साइड करते हुए एक फंदा उल्टा बनाए, सीधे फंदे को पलटते हुए एक उल्टा फंदा ओढ़ ले और पीछे की साइड से दो फंदों का एक कर ले। धागा अपनी साइड करते हुए एक फंदा उल्टा बनाए, सीधे फंदे को पलटते हुए दो फंदों को उठाएं और पीछे की साइड से दो फंदों का एक कर ले। ऐसा हमें 5 टाइम करना है, 5 बार करना है। एक फंदा उल्टा बनाएं और ये 5 टाइम। एक फंदा उल्टा बनाएं और लास्ट के दो फंदों को सीधा बनाकर कंप्लीट कर ले। तो देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर जितने फंदे बढ़ाते हैं वो हमारे दो बार हम घटा चुके हैं और जो और फंदे बढ़ेंगे वो तीसरी बार में घट जाएंगे। तो 26वीं सिलाई 26 रो बैक साइड। फर्स्ट फंदे को स्लिप करें, सेकंड फंदा उल्टा बनाएं, एक सीधा फंदा बनाएं, एक उल्टा फंदा बनाएं। धागा पीछे करें, एक सीधा फंदा बनाएं, एक उल्टा फंदा बनाएं। ऐसा हमें 5 बार करना है, 5 टाइम हमें एक सीधा फंदा एक उल्टा फंदा बनाना है। जाली के हम सारे फंदे उल्टे बनाकर ही कंप्लीट करेंगे। लास्ट के दो फंदे सीधे बनाएं और एक फंदा उल्टा बनाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, छब्बीसवीं सिलाई 26 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। 27 रो फ्रंट साइड। नेक्स्ट रो फ्रंट साइड। देखिए हमें क्या करना है, फर्स्ट फंदे को स्लिप करें, आगे के दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे। तो देखिए एक फंदा सीधा बनाएं, एक और दो फंदों को आगे की साइड से सिलाई डालते हुए सीधा फंदा बनाएं, दो का एक करते हुए फिर से यार्न ओवर करें, एक और दो फंदों को फ्रंट साइड से सिलाई डालते हुए दो फंदों का एक कर ले सीधा फंदा बनाकर। 2 टाइम यार्न ओवर करें, एक और दो फंदों को आगे की तरफ से सिलाई डालते हुए दो का एक कर ले सीधा फंदा बनाकर। 3 टाइम
यार्न ओवर करें, एक फंदा सीधा बनाएं, यार्न ओवर करें, एक फंदे को पलटते हुए पीछे की साइड से बैक साइड से दो फंदों का एक कर लें, यार्न ओवर करें, एक फंदा सीधा बनाएं। धागा अपनी साइड करते हुए एक फंदा उल्टा बनाएं, धागा पीछे करें, एक फंदा सीधा बनाएं। ऐसा हमें 5 टाइम करना है, 5 बार बनाना है। एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे लेके जाए, एक फंदा सीधा। इसी तरह हमें 5 बार बनाना है। लास्ट के 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे बैक साइड से नेस्ट्रो 28वीं सिलाई, 28 रो है। तो देखिए 2 फंदे हमने फर्स्ट फंदे को स्लिप किया, एक फंदा उल्टा बनाया, एक फंदा सीधा बनाया, एक फंदा उल्टा बनाए, एक फंदा सीधा बनाए। ऐसा हमें 5 बार करना है, 5 टाइम हमें 1 नीट 1 पल करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे 5 बार हमने बना लिए आगे के, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। और देखिए ये बाकी के फंदे हम उल्टे बनाएंगे, तो देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ तक उल्टा बनाकर कंप्लीट कर लिया है। लास्ट के 3 फंदे हम 2 सीधे फंदे बनाएंगे और एक फंदा उल्टा ही बनाएंगे। नेक्स्ट रो फ्रंट साइड 2 फंदे उल्टे, फर्स्ट फंदे को स्लिप करें और 2 फंदे उल्टे बनाएं, एक फंदा सीधा बनाए, यार्न ओवर करें, 1 और 2 फंदों को आगे की साइड से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर लें, 1 टाइम यार्न ओवर करें, 1 और 2 फंदों को आगे की साइड से सिलाई डालते हुए 2 का 1 करें, 2 टाइम यार्न ओवर करें, 1 और 2 फंदों को आगे की साइड से सिलाई डालते हुए 2 का 1 करें, 3 टाइम यार्न ओवर करें, 1 फंदा सीधा बनाए, यार्न ओवर करें, 1 फंदे को पलटते हुए 1 और 2 फंदों को पीछे की साइड से 2 का 1 कर लें, यार्न ओवर करें, 1 और 2 फंदों को, 1 फंदे को पलटते हुए आगे के दूसरे फंदे को उठाते हुए पीछे की साइड से 2 फंदों का 1 करेंगे, यार्न ओवर करें, 1 फंदा सीधा बनाए। तो देखिए हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 जाली डाली है, 1 फंदा उल्टा बनाएंगे और 1 फंदा सीधा बनाएंगे। ऐसा हम 5 बार करेंगे, 5 टाइम 1 नीट एंड 1 पल करेंगे। तो 5 बार हमें 1 फंदा उल्टा और 1 फंदा सीधा बनाएंगे। लास्ट के 2 फंदे हम सीधे बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट रो बैक साइड 1st फंदे को स्लिप करके 1 फंदा उल्टा बनाएंगे, तो देखिए जो 1 फंदा उल्टा है, 1 और 1 2 फंदों को हम पीछे की साइड से 2 का 1 करेंगे, 1 उल्टा 1 सीधा फंदे को हम 2 का 1 बनाएंगे उल्टा बनाकर, 1 और 1 फंदा उल्टा और 1 सीधा दोनों को मिलाकर 2 का 1 कर लेंगे। तो 1 1 फंदा हमारा यहाँ घटता जा रहा है, तो यहाँ पे हमारे 1 2 3 4 5 और 1 6 फंदे बचे। तो यहाँ के फंदे हम सारे उल्टे ही बनाएंगे, तो देखिए फ्रेंड्स हमने यहां तक बनाने लिए। लास्ट के 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे और 1 फंदा उल्टा बनाएंगे। नेक्स्ट रो फ्रंट साइड
देखिए फ्रंट की साइड नेक्स्ट रो। तो यहाँ पे हमें क्या करना है फ्रेंड्स, फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे और दो फंदे हम उल्टे ही बनाएंगे, धागा पीछे लेके जाएं, एक फंदा सीधा बनाएं, यार्न ओवर करें, एक और दो फंदों को आगे की साइड से सिलाई डालते हुए दो का एक करेंगे, सीधा फंदा बनाकर सेम पैटर्न रिपीट करेंगे दो बार, ऐसा हम तीन बार करेंगे, थ्री टाइम हमें सेम रिपीट करना है और यार्न ओवर करनी है हर बार। एक फंदा सीधा बनाए, यार्न ओवर करें, एक फंदे को पलटते हुए आगे के दूसरे फंदे को उठाते हुए पीछे की साइड से दो फंदों का एक कर ले, यार्न ओवर करें, एक फंदे को पलटते हुए पीछे की साइड से दो फंदों का एक करें, यार्न ओवर करें, ऐसा हम इस बार भी थ्री टाइम करेंगे। यार्न ओवर करते हुए एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच और ये छः, छः फंदे सीधे बनाने के बाद देखिए वापस सिलाई में डालें, पहली सिलाई में धागा अपनी साइड करके धागा पीछे करें और दूसरी सिलाई में छः के छः फंदे डालें, धागा फिर से अपनी साइड करें और छह फंदे वापस डालें। धागा पीछे करें और छह फंदे वापस दूसरी सिलाई में डालें। तो लास्ट के फंदे को उल्टा बनाकर कंप्लीट कर लें। तो देखिए फ्रेंड्स, लास्ट रो बैक साइड हमें पूरी रो को उल्टा बनाकर ही फर्स्ट फंदे को स्लिप करें और पूरी सिलाई को हम उल्टा बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट के दो फंदे हम सीधे बनाएंगे और आखिरी के फंदे को उल्टा बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा 1 to 32 रो तक ये डिजाइन तैयार है। 16 हमने नीचे बनाई थी रो और 16 ही ऊपर बनाई है, तो 32 रो का ये पैटर्न है और बहुत इजी है। एक बार ये आप ट्राई करोगे तो ये बनता चला जाएगा। तो आप एक बार जरूर ट्राई करें किसी भी पैटर्न में। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने पर बेल आइकन को जरूर टच करें। थैंक यू फ्रेंड्स।